हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कैसे करें यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्नैक वीडियो एप्लीकेशन के अंदर फोटो से वीडियो क्रिएट करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि स्नैक वीडियो एप्लीकेशन का यूज़ 30 सेकेंड की या 50 सेकेंड की लिपसिंग बेस्ड वीडियो क्रिएट करने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए फोटो से वीडियो क्रिएट करने की तो कुछ बार यूज़र को समझ में नहीं आता या फिर ये ऑप्शन नहीं मिल पाता है कि आखिरकार किस तरीके से हम लोग जो है फ़ोटो से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप भी स्नैक वीडियो एप्लीकेशन यूज़र है और फ़ोटो से वीडियो क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं, लेकिन हर बार की तरह मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, फोटो से वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्नैक वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। स्नैक वीडियो एप्लीकेशन ओपन होने पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके सामने ढेर सारी जो है वो वीडियोस दिखाई दे रही होगी। हम यहाँ पर फोटो से वीडियो क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर नीचे एक प्लस का आइकॉन दिया हुआ है, आपको सिंपल इस प्लस के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। इस प्लस के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली नीचे दिख रहे एमवी के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से दोस्तों आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके सामने स्नैक वीडियो के जितने भी टैम्पलेट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं हॉट वाले सेक्शन में चले जाता हूँ। यहाँ पर मुझे जो है काफ़ी सारे टैम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं और मुझे यहाँ पर बैड बॉय के नाम को जो है टैम्पलेट पसंद आया है। मैं आपको एक बार इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि आपको इस टेम्पलेट का प्रीव्यू जो है दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर हम इसके अंदर फोटोज़ को ऐड कर देते हैं तो हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि अभी हम इस टेम्पलेट के ऊपर अपनी फ़ोटो से वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यूज़ के नाम से इसके नीचे एक बटन दिया हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से दोस्तों आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके सामने गैलरी के अंदर या एल्बम के अंदर रखे जितने भी फोटोज़ हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अब आप जिस किसी भी फ़ोटो को जो है वो ऐड करके वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो 5 फोटोज़ की लिमिट मुझे यहाँ पर दी हुई है, तो मैं अपने सभी फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर फोटोज़ को सिलेक्ट कर लिया है। देन गाइस, अब आपको सिंपली जो है नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से आपके सामने जो है वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको इसको विद साउंड सुना देता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मैंने जो अपने फोटोज सिलेक्ट करे थे उन फोटोज की हेल्प से मेरे सामने वीडियो जो है यहाँ पर बन चुकी है। अगर आप इस टैम्पलेट में यूज़ होने वाले म्यूज़िक को चेंज करना चाहें तो ऊपर आपको चेंज म्यूज़िक के नाम से भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप किसी दूसरे सॉन्ग को जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे साउंड को यूज़ करना चाहें तो आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। देखा दोस्तों आप लोगों ने, साउंड भी मैं यहाँ पर चेंज कर पा रहा हूँ और अपने हिसाब से जो भी कस्टमाइज फ़ोटो ऐड करना चाहता था मैं वो भी यहाँ पर ऐड कर पा रहा हूँ। अब दोस्तों अगर आपकी वीडियो जो है वो डन हो चुकी है तो आपको सिंपली जो है वो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके सामने जो है वो वीडियो को पब्लिश करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आप वीडियो को पब्लिश करना चाहें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है डिस्क्रिप्शन राइट करना है। डिस्क्रिप्शन राइट करने के साथ में यहाँ अगर आप हैशटैग वगैरह यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। देन आपको जो है लोकेशन ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देन आपको लास्ट में जो है प्राइवेसी सेटिंग के नाम से ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि आप इस वीडियो को कैसा रखना चाहते हैं। अगर आप पब्लिक रखना चाहें तो पब्लिक भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसे प्राइवेट करके भी ओके कर सकते हैं। अब आपको सिंपली जो है वो शेयर के बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी वीडियो स्नैक वीडियो पर जो है वो शेयर कर दी जाएगी, या फिर अगर आप चाहें तो इसे अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर भी शेयर कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से आप लोग बड़ी ही आसानी से अपने स्नैक वीडियो एप्लीकेशन के अंदर अपने फ़ोटो की वीडियो जो है वो क्रिएट कर पा रहे थे। गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही हमारे इस कैसे करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं या मेरे पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इसका लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके आप मुझे या मेरे पेज को जो है फॉलो कर सकते हैं। सो ओके गाइस, दिस इज़ कैसे करें यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।